नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा, बसाहत और नौकरी की मांग को लेकर गेवरा मुख्यालय के सामने चलाए जा रहे बेमियादी आंदोलन के तहत अपने पूर्व घोषणा अनुसार आंदोलन को तेज करते हुए शुक्रवार को SECL के मुखिया, CMG व प्रबंधन का पुतला चलाकर मूव इस्पातियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और आंदोलन स्थल से ही SECL प्रबंधन को चेतावनी दी है कि मांगों को पूरा न करने पर अगले चरण में खनन विस्तार क्षेत्र रलिया उमेदी भाजा के OB कार्य को बंद किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरबा जिले में SECL की गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र के विभिन्न कोयला खदानों के लिए हजारों किसानों की जमीन अर्जित किया गया है। भविष्य में भी और विस्तार किया जाएगा, जिसके कारण कई गांव का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। देश के विकास की आहुति की भेंट चढ़े विस्थापित प्रभावित परिवार, जिसमें प्रमुख रूप से वनों के रक्षक आदिवासी मूल निवासियां हैं, जिनके विकास के बजाय विनाश ही हुआ है। प्रबंधन एवं सरकार की गलत नीतियों के कारण भू विस्थापित किसानों ने SECL के प्रति नकारात्मक छवि बन चुकी है। यही कारण है कि दशकों से लगातार आंदोलनात्मक संघर्षों का द्वंद चल रहा है। जिला प्रशासन के साथ वार्ता व निर्देशों का पालन करने में SECL प्रबंधन द्वारा नियमों का हवाला देकर भू विस्थापितों की मांग को पूरा करने में असमर्थता जाहिर करते आई है। नवंबर 2021 हो या 17 फरवरी 2022, जब सेक्शन प्रबंधन, जिला कलेक्टर, क्षेत्र के विधायक और भू विस्थापित की उपस्थिति में एक सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें समस्या के समाधान एवं मांगों पर भू विस्थापितों को उम्मीद जगी थी, लेकिन SECL एवं तहसील कार्यालय में भू विस्थापितों की समस्या को सुलझाकर रख दिया गया और लोगों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। इसलिए मजबूरी वश भू विस्थापितों को आंदोलन के रास्ते पर चलने के बजाय कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि भू विस्थापित बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। SECL की अड़ियल रवैये की वजह से पुतला दहन भी करना पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।